बहुचर्चित 8 साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन वाले तारा शाहदेव प्रकरण में अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इन तीनों दोषियों की सजा 5 अक्टूबर को निर्धारित की जाएगी। अब इस मामले में 5 अक्टूबर को आरोपी रंजीत कोहली, उनकी मां कौशल्या रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की बाकी जिंदगी का फैसला तय होगा। इसी बात का लड़ाई थैंक यू थैंक यू। जी, तारा सहदेव ने जो कंप्लेन किया था उस कंप्लेन पे पहले झारखंड पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल किया, उस पर ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद आज रकीबुल को 396(2)(n) आईपीसी, 496, 298, 323, 4506 और 120B के तहत कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा। कौशल रानी को 298, 323 और 506 अलॉन्ग विथ 120B में कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा, और मुश्ताक अहमद को 298 अलॉन्ग विथ 120B आईपीसी में कन्विक्ट किया गया है। सेंटेंसिंग की पे बहस 5 तारीखों के 5 अक्टूबर को होगी, उस पर चर्चा उस दिन करेंगे। सर, ये पूरा मतलब कितना बरस लग गया? 9 साल लग गए इस ट्रायल को कंप्लीट होने में, एफआईआर से लेकर के आज के दिन। सीबीआई के द्वारा जो 26 गवाह पेश किए गए थे, वो गवाह काफी महत्वपूर्ण रहा है आरोपियों को दोष साबित करने में। आखिर न्यायालय ने अगर इस मुकाम पे पहुंचा है, सबको कन्विक्ट किया है, अभी हम लोगों ने जजमेंट नहीं देखा है, जजमेंट में कैसे क्या, किसने क्या एविडेंस दिया, कैसे कोर्ट ने उसको माना है, लेकिन बिना गवाह के, बिना सीबीआई के मेहनत के न्यायालय किसी को कन्विक्ट नहीं करता। अगर सफिशियंट एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं होते तो न्यायालय उनको कन्विक्ट नहीं करता। मैक्सिमम जो सेक्शन है उसमें कन्विक्ट पाया गया नहीं, सजा पे बात हम लोग 5 तारीख, लेकिन कुछ सेक्शंस में इसमें बनी भी किया गया है, तो सेंटेंस के पॉइंट पे जो सुनवाई होगी उसमें हम लोग सेंटेंस के पॉइंट में देखते हैं क्या वो आता है उस पे, और फाइनली हम लोग हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करेंगे इसके अगेंस्ट। अपील, देखिए मामला तो ये है कि 498A का मामला था, वाइफ हस्बैंड का डिस्प्यूट था, लेकिन चूँकि मामला इस तरह से हाइप कर दिया गया था और उस पर बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई उसके अंदर में आई थी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, जबकि स्टेट पुलिस का इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट ऑलरेडी सबमिट हो चुका था, इवन ट्रायल जो है सो एट द फेक एंड था, स्टेट गवर्नमेंट का जो चार्जशीट था उसके बेसिस पर, लेकिन सब्सिक्वेंटली सीबीआई इन्वेस्टिगेट की है एंड देर आर सर्टेन सीरियस एलिगेशन उसमें लगाया गया था, कन्विक्शन हुई, हम लोग देखेंगे, अपील करेंगे अगेंस्ट दैट ऑर्डर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।